हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हॉलीडेज में आप बच्चों को कैसे कैसे वर्कशीट बना के दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड वन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसमें आप मैथ्स में बच्चों को जैसे बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट होता है, तो इस टाइप से दे सकते हैं। जैसे कि ये आंट बना के दे दिया है, 41 से पहले क्या आएगा 40, फिर 65 से पहले 64, 55 से पहले 54, 27 से पहले 26। तो इसी टाइप से हम आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। व्हाट कम्स आफ्टर 35 के जस्ट बाद क्या आता है 36, तो 91 के बाद 92, 82, 83, 70, 71, 15, 16, 45, 46, 31, इनके बीच का बताना हमें, बिटवीन, कि इनके बीच में क्या आता है। व्हाट कम्स जस्ट बिटवीन, तो बिटवीन बीच में क्या आएगा 30 और 32 के बीच में 31, 74 और 76 के बीच में 75, 91 एंड 93, 92, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 43, 44, 45। तो इस टाइप से हम बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। ग्रेड वन में हमारे बच्चों ने मोर और लेस का कॉन्सेप्ट सीखा है, मतलब कौन सा ज्यादा है वो मोर और जो कम है वो लेस है। तो हम उनको इस टाइप से कुछ इमेजेस के थ्रू मोर देन एंड लेसर देन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बटरफ्लाई है और ये बटरफ्लाई है, तो उन्हें काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, टिक लगाना है जो ज्यादा है उसको, इसको हम टिक लगाएंगे एंड क्रॉस विच इज लेस, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। इसी टाइप से हम बनाना को काउंट करेंगे, हम बच्चों को देंगे कि इनको काउंट करो और जो ज्यादा है उस पर टिक लगाओ और जो कम है उस पर क्रॉस लगाओ। तो इस टाइप की एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों को मोर एंड लेस का कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं। देन आता है ऑल टुगेदर, इनको ये जो हमें ऑरेंजेस दी हुई हैं हमें इनको काउंट करना है, फिर ये हमें तीन नंबर दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो सही नंबर है उसको सर्कल करना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो हमारे पास 15 ऑरेंजेस हैं, हमारे पास थ्री नंबर हैं 15, 11 एंड 13, हमारे पास 50 ऑरेंज है तो हम 15 को सर्कल करेंगे। तो इस टाइप से बच्चे इन कैप को काउंट करेंगे और फिर जितने ये कैप है उसको सर्कल करेंगे, जितनी बॉल है उस नंबर को सर्कल करेंगे। इसी टाइप से फ्लावर्स को काउंट करके, बर्ड्स को काउंट करके, ट्रीज को काउंट करके, स्माइलीज को और ये हमारे स्ट्रॉबेरी को काउंट करके, और फिर बच्चे उसी नंबर को सर्कल करेंगे जितने नंबर पे हमारे पास चीजें हैं। देन आप उनको कुछ इस टाइप से एक्टिविटी दे सकते हैं कि उनको इन इमेजेस को काउंट करना है एंड फिर उस नंबर को लिखना है। जैसे 1, यहाँ पे 1 आएगा, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, जितने नंबर में हमारे पास इमेजेस हैं हमें उतना ही नंबर यहाँ पे लिखना है। तो इस टाइप से एक्टिविटी करा सकते हैं आप बच्चों की काउंटिंग के लिए। देन बच्चों को फर्स्ट क्लास में ईवीएस में डोमेस्टिक एनिमल एंड ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स, इनके बारे में बताया जाता है। तो हम उनको कुछ इस टाइप से एक्टिविटी दे सकते हैं कि कलर द ब्राउन फॉर डोमेस्टिक एनिमल एंड ग्रीन फॉर बर्ड्स एंड कलर येलो फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड ब्लू फॉर द वॉटर एनिमल्स। तो इससे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा, एक तो उनको कलर्स का पता चलेगा कौन सा ब्लू है, ब्राउन है या फिर ब्लैक है, ग्रीन है, एंड उनको ये भी लर्न हो जाएगा कौन सा हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, कौन से हमारे बर्ड्स हैं, कौन से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं एंड कौन से हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो इस टाइप से बच्चों को हम कलरिंग एक्टिविटी देंगे तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा इस टाइप की एक्टिविटी में और उनको लर्न भी हो जाएगा। देन हम उनको ईवीएस में कुछ इस टाइप से एक्टिविटी दे सकते हैं, प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स लिखने हैं हमें। जैसे हमें ये प्लांट दिया हुआ है, हमें इसके पार्ट्स लिखने हैं। जैसे कि नीचे ये हमारे रूट्स हो गए, ये हमारे स्टेम हो गया, ये हमारे लीव्स हो गए, फ्लावर, सीड्स। तो इस टाइप से बच्चे एक्टिविटी करेंगे और उसमें लिखेंगे कि किसमें क्या है ये फ्रूट्स। तो इस टाइप से उनको पेड़, हमारा जो प्लांट होता है उसके पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो इससे हम उनको प्लांट्स के बारे में सिखा सकते हैं। देन हम उनको कुछ राइमिंग वर्ड्स कराएंगे, जैसे कि मैट, कैन, ओल, नेट, बीन, सेट। तो मैट एंड सेट जो है राइमिंग वर्ड है, तो हम उनको कलर करेंगे, सेम कलर से कलर करना है बच्चों को। इसी टाइप से हम कुछ इस टाइप से वर्ड दे सकते हैं बच्चों को, जिसको वो सेम, जिनकी टोन होगी, जिनकी राइम सेम होगी, उनको कलर करेंगे। तो इस टाइप से हम उनको एक्टिविटी देके राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी समझा सकते हैं।
तो इस टाइप से आप बच्चों को हॉलीडेज में एक्टिविटी देके उनके राइमिंग वर्ड्स और मैथ्स की काउंटिंग वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बनाया है कि आप बच्चों को कैसे कैसे एक्टिविटी करा के हॉलीडेज में होमवर्क दे सकते हैं और उनका जो स्किल वीक है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।